हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रही हैं क्लास एट्थ के इंग्लिश के लेसन फाइव फॉर नेशनल सिंबल्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस VARIOUS वेरियस नेशनल, नेम द वेरियस नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री के वेरियस नेशनल सिंबल्स बताने हैं। वेरियस नेशनल सिंबल्स का मतलब क्या है, जो अलग अलग नेशनल सिंबल्स हैं वो बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स। तो फर्स्ट क्या आर नेशनल फ्लैग, आर नेशनल फ्लैग। उसके बाद आर नेशनल एम्बलम, आर नेशनल एम्बलम। नेक्स्ट आर नेशनल एंथम, आर नेशनल एंथम ANTHEM एंथम। नेक्स्ट है आर नेशनल सॉन्ग, आर नेशनल सॉन्ग। आर नेशनल एनिमल, आर नेशनल एनिमल। आर नेशनल बर्ड, और उसके बाद है आर नेशनल फ्लावर, आर नेशनल फ्लावर। तो ये क्या आते हैं हमारे सारे नेशनल सिंबल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स COLORS कलर्स इन आर नेशनल फ्लैग। हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें तीन कलर्स होते हैं, तो हमें बताने हैं कि वो तीनों कलर्स कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट कलर होता है सेफ्रन, SAFFRON सेफ्रन। उसके बाद है वाइट, WHITE वाइट। एंड देन क्या है, ग्रीन, एंड ग्रीन। ओके, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री भी नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है। वो क्या है, What is the saffron color in our flag? What is the saffron color in our flag a symbol of? जो saffron color है हमारे flag के अंदर वो किस चीज़ का symbol होता है, ठीक है? तो ये किस चीज़ का symbol होता है, it is a symbol of COURAGE courage, it is a symbol of courage and sacrifice। ये किस किस चीज़ का सिंबल है, courage और sacrifice का सिंबल है, ठीक है? उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, What is written on the base of our national emblem, जो हमारा नेशनल एम्ब्लम है ये बताना है हमें कि उसके बेस पे क्या लिखा हुआ है। तो उसके बेस में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा, द वर्ड्स सत्यमेव SATYAMEVA सत्यमेव जयते, JAYATE वर्ड्स सत्यमेव जयते आर, बाकी क्वेश्चन में से आएगा आर, रिटन ऑन द बेस ऑफ अवर नेशनल एम्ब्लम। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते हमारे नेशनल एम्ब्लम पे, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, On what occasion is our national anthem sung? जो हमारा national anthem है वो किस किस occasion पे गाया जाता है, मतलब कि वो कब कब गाया जाता है, ठीक है? तो ये कब कब गाया जाता है, it is sung on
all ceremonial. It is sung on all ceremonial occasion. जो सारी ceremonial occasions होती हैं, ठीक है, कोई भी समारोह होते हैं, ऐसा समारोह होते हैं उनमें. एंड और कहाँ पे कहा जाता है, एट द मॉर्निंग प्रेयर्स, पी आर ए वाई ई आर एस, एट द मॉर्निंग प्रेयर्स इन आवर एजुकेशनल, इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस टी यू टी आई ओ एन एस. और हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर के टाइम भी नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर नेशनल एंथम, आवर नेशनल एंथम इज बीइंग संग. वो लिखा, हमसे पूछा गया कि जब हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है तब हमें क्या करना चाहिए. बिल्कुल अच्छे से हमें पता है कि जब भी हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है तो हमें स्टैंड अटेंशन खड़ना होता है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, वी शुड स्टैंड एट अटेंशन. हमें क्या है, अटेंशन खड़े होना है, ठीक है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द राइटर ऑफ आवर नेशनल एंथम. जो हमारा नेशनल एंथम है उसके जो राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है. सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है, ठीक है. तो आर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, RABINDRANATH, रविंद्रनाथ TAGORE टैगोर, ठीक है. He was a great poet, मतलब बहुत महान कवि हैं. He was awarded the Nobel Prize for literature. उन्हें उनके लिटरेचर के लिए, मतलब जो उन्होंने बुक्स लिखी थी उनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. कब मिला था, 1913 में मिला था, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why is hunting of peacock prohibited in our country. हमारी कंट्री में पीकॉक की जो हंटिंग है, पीकॉक का जो शिकार है वो प्रोहिबिटेड क्यों है, प्रोहिबिटेड मतलब बंद क्यों है, ठीक है. बिकॉज इट इज़ आर नेशनल बर्ड, क्योंकि जो पीकॉक क्या है वो हमारा नेशनल बर्ड है, इसलिए जो पीकॉक की हंटिंग है, पीकॉक का जो शिकार है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, वो बंद किया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the importance of our national symbols in our life. अभी जो हमारे जितने भी national symbols हैं, उन national symbols की हमारी life में क्या importance है, ठीक है, हमें ये बताना है. तो our national symbols play a virtual role in our life. जो हमारे national symbols हैं वो बहुत ही important role play करते हैं हमारी life में. They inspire and
यूनाइट अस, ये क्या है, हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं और यूनाइट करते हैं. यूनाइट करने का मतलब क्या है, इकट्ठा करते हैं. ठीक है, उसके बाद दे इनकरेज अस टू अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर. ये क्या है, हमें हमारे कल्चर की जो वैल्यूज हैं उन्हें अपहोल्ड करने के लिए, उन्हें और ऊंचा उठाने के लिए भी प्रेरित करती हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर नेशनल एनिमल. जो हमारा नेशनल एनिमल है आप उसके बारे में क्या जानते हो, हमें ये बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा नेशनल एनिमल कौन है, हमें ये लिखना पड़ेगा, द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल. दिस एनिमल इज़ ए किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ ग्रेस. ग्रेस का हमारी शान का प्रतीक है, स्ट्रेंथ, ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस, कि हमें किसी से डरे नहीं. ठीक है, इस बात का प्रतीक है जो ये एनिमल है, फियरलेसनेस. उसके बाद टाइगर को कब हमारा नेशनल एनिमल अडॉप्ट किया गया, द टाइगर वॉज अडॉप्टेड एज अवर नेशनल एनिमल इन नवंबर 1972. टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल कब बोला गया, नवंबर 1972 में. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डू वी हैव अशोका पिलर बताना है हमें कहाँ पे है. उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस. एक तो हमें अशोका पिलर बताना है कि वो कहाँ पे है, और उसके बाद क्या बतानी है, उसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है कि अशोका पिलर की इम्पॉर्टेंस क्या है. चलिए इसका आंसर लिखते हैं, अशोका पिलर is situated at सारनाथ. अशोका पिलर कहाँ पे है, सारनाथ में है. उसके बाद it was here that, ये हमें क्या बताता है वहाँ पे, that Lord Buddha BUDDHA Lord Buddha delivered his first sermon after his enlightenment. जब उन्हें क्या है, ज्ञान मिला था, तब उन्होंने अपना सबसे पहला प्रवचन जो है वो इसी पिलर के नीचे दिया था. उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, What is the seal of the government, seal of government of India. जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी सील क्या है, हमें ये बताना है. और क्या बताना है, what is it used for, और ये किस चीज़ के लिए क्या है यूज़ होती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर. आर जो हमारा नेशनल एम्बलम है वही हमारी इंडिया की जो सील है. Our national emblem is the seal of the government, government of India. वो क्या है, इंडिया की सील है वो. उसके बाद किसके लिए यूज होती है, It is used on all our currency, CUR ENCY, हमारी सारी करेंसी पे ये यूज़ होती है.
उसके बाद स्टैम्प पेपर्स पे भी ये होती है। उसके बाद रेवेन्यू स्टैम्प्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफिशियल पब्लिकेशंस। और जितनी भी सारी ऑफिशियल हमारी पब्लिकेशंस हैं मतलब कि जो भी हमारे आधिकारिक प्रकाशन होते हैं, आधिकारिक प्रकाशन मतलब कि आधिकारिक तौर पर जो भी चीज़ें बनती हैं उन सब पे क्या है, ये हमारे जो नेशनल एम्बलम की जो स्टैम्प है वो यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्लास 8 लेसन 5 फॉर नेशनल सिंबल के क्वेश्चन आंसर। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।